दोस्तों क्या आप जानते हैं दुबई के बुर्ज खलीफा के ऊपर एडवर्टाइजमेंट करने का कितना खर्चा आता है। अगर आपको नहीं पता तो आप इस वीडियो में जानोगे, तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों आपने देखा होगा कि 15 अगस्त को भारत का तिरंगा बुर्ज खलीफा पे लहराता है, तो क्या इसके लिए भी भारत को पैसा देना पड़ा होगा? और अगर देना भी पड़ा हो तो आखिर इसमें कितना पैसा लगा होगा? वैसे कुछ सेकंड के प्रमोशन के लिए जो रकम बुर्ज खलीफा का मैनेजमेंट दूसरी कंपनियों से लेता है, उसे जान के आप हैरान हो जाओगे। बुर्ज खलीफा पे 3 मिनट का एडवर्टाइजमेंट करवाने का जो खर्चा आता है वो करीब 2,50,000 दिरहम आता है, जो भारतीय करेंसी में करीब 50 लाख रुपए होते हैं। लेकिन ध्यान देने वाली बात यह है कि ये जो रकम है वो केवल वर्किंग डे के लिए होती है। अगर कोई कंपनी वीकेंड में अपना प्रमोशन करवाना चाहती है तो उसे करीब 3,50,000 दिरहम चुकाने पड़ सकते हैं। इसके अलावा कंपनी चाहे तो मल्टीपल विज्ञापन भी शो करवा सकती है, लेकिन उसे हर 3 मिनट के लिए 2,50,000 दिरहम चुकाने पड़ेंगे। आपने देखा होगा कि बुर्ज खलीफा पे दिन भर प्रमोशन नहीं चलाए जाते हैं, क्योंकि इसका एक फिक्स टाइम है जो है 8 से 10, और इसी बीच इस पे प्रमोशन चलाए जाते हैं। अब आप में से बहुत से लोग ये सोच रहे होंगे कि 3 मिनट के विज्ञापन के लिए इतना पैसा कौन देगा। आपको बता दें कि बुर्ज खलीफा दुबई का सबसे बड़ा हॉटस्पॉट है, और जो कोई भी दुबई जाता है तो वो इस इमारत को एक बार जरूर देखता है, और इसी वजह से बिल्डिंग पर प्रमोशन विज्ञापन के द्वारा आसानी से लोगों का ध्यान खींचा जा सकता है, और यही वजह है कि बड़ी बड़ी कंपनियां विज्ञापन बुर्ज खलीफा पर करवाती है। वैसे आप हमें कमेंट करके बताएं, क्या इतने पैसों में आप भी बुर्ज खलीफा पर एडवर्टाइजमेंट करवाना चाहोगे?